बाबा पत्थर नहीं हूं मैं, मुझ में भी नमी है, बस दर्द बयान नहीं कर सकता, बस इसी बात की कमी है। स्टेटस लगाने का मजा तब आएगा जब बदन पर वर्दी और हाथ में AK-47 होगी। एक दिन अमीर तो बनेंगे लेकिन दोनों भाई साथ में। मेरे भाई एक बात हमेशा ध्यान रखना, फौज की तैयारी करने वाला लड़का वहां तक अकेला रहता है जहां तक उसे वर्दी नहीं मिलती। भाई अपना हाथ दिखाओ। सब बोलते हैं पैसा हाथ का मैल है। भाई पैसे की कीमत वही जानते हैं जो मेहनत करते हैं, वरना बाप के पैसे पैस करने वाले तो हाथ का मैल ही बोलेंगे। जा रहे हो दिसंबर, चलो जा रहे हो तो ये वादा रहा तुमसे कि अगली बार मिलोगे तो उन हालातों से लड़ते हुए थोड़े और मजबूत हो जाए। वो बोल रही थी मेरा वाला तुम्हें घर से उठा लेगा, अब उसका वाला घर से नहीं निकल रहा। मेरे भाई एक चाहत है फौजी बन के जीने की, वरना पैसे कमाने होते तो नौकरियां और भी बहुत हैं। हम अब तन्हा नहीं चलते दवा भी साथ चलते, और अभी अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलता। आकाश में चमकने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं दोस्त, सुप्रीम सैक्रिफाइस का जरूरत पड़ता है। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए, नसीब बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलेगा। मुझे पता है कि मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, लेकिन मैं फिर भी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि तरक्की की सवारी इतनी जल्दी नहीं मिलती। और मेरी बात याद रखना, माता पिता नाम देते हैं लेकिन बेटे को नाम कमाना पड़ता है। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए, नसीब बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलेगा। किसी ने हमसे पूछा कि इतने अकेले अकेले क्यों रहते हो, हमने भी कहा कि ठोकर खाया हुआ दिल है साहब, भीड़ से ज्यादा तन्हाई पसंद है। ना ही 2024 के आने की खुशी और ना ही 2023 के जाने का गम, असली खुशियाँ उस दिन मनाएंगे जिस दिन खुद को कामयाब कर लेंगे हम। क्या हुआ, लोग हंस रहे हैं कि तू हार गया? हार मत मान ब्रो, सफलता की शुरुआत है ना, अब इस नए साल से होगी। मेहनत कर रहा हूँ कंटिन्यू, और सफल रहा तो एक दिन सबके सामने रोकर अपने संघर्ष की कहानी सुनाऊंगा, थोड़ा सफल रहा तो फिर किसी से नहीं बताऊंगा, अकेले बैठ कर रो लूंगा, बट मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, वो मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू और करता रहूंगा। मेरे भाई एक चाहत है फौजी बन के जीने की, वरना पैसे कमाने होते तो नौकरियां और भी बहुत हैं। मुझे पता है कि मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, लेकिन मैं फिर भी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि तरक्की की सवारी इतनी जल्दी नहीं मिलती। अरे मेहनत नुए चल रही हमारी, महाराने की में फर्क पड़ेगा इस दिसंबर वाली सर्दी का, और सोच सोच का फर्क है लाडले, लोग नया साल का इंतजार है और हमने 30 वाली वर्दी का। जा रहे हो दिसंबर, चलो जा रहे हो तो ये वादा रहा तुमसे कि अगली बार मिलोगे तो उन हालातों से लड़ते हुए थोड़े और मजबूत हो जाएंगे जिनसे इस बार लड़ नहीं पाए थे, वो सारी ख्वाहिशें जो अधूरी रह गई इस साल। हर सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता साहब, पर फिर सोचता हूँ उन लोगों को भी तो गलत साबित करना है जिन्होंने कहा था कि तुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं अपने पापा का नाम करूंगा, वो तो मैंने सोच रखी है, तो मरूंगा करते करते, मरूंगा तो ऐसे नहीं, संघर्ष करते करते मर जा। मिक्स मार्शल आर्ट में मैं इसलिए आया हूँ, या तो आर या फार, मरूंगा या तो नाम करूंगा, बस एक काम होना है बापू तेरे। मेरे भाई एक चाहत है फौजी बन के जीने की, वरना पैसे कमाने होते तो नौकरियां और भी बहुत हैं। मेरे दोस्त हर किसी पे नहीं चढ़ता फौजी बनने का नशा, जिगरा चाहिए जवानी बर्बाद करने का। अपना तो यही रूल है जनाब, सुबह 4 बजे उठना और रात को 10 बजे सोना। क्या अपना तो यही रूल है जनाब, सुबह 4 बजे उठना और रात को 10 बजे सोना, और 15 साल की हो या 4 साल की, बस हमें तो भर्ती फौज में होना। एक दिन अपना सपना भी सच होगा, एक दिन अपना सपना भी सच होगा, एक हाथ में माइक और एक हाथ में अवार्ड और पूरा स्टेज अपना होगा। मेहनत कर रहा हूँ कंटिन्यू,
और सफल रहा तो एक दिन सबके सामने रोकर अपने संघर्ष की कहानी सुनाऊंगा। थोड़ा सफल रहा तो फिर किसी से नहीं बताऊंगा, अकेले बैठकर रो लूंगा, बट मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, वो मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू और करता रहूंगा। अरे हम चूल्हे की रोटी खाने वाले, अरे तू पिज्जा बर्गर खावे, अरे माफ करिए मैडम, मारी महतारी को जींस वाली ना सूट वाली भावे। स्टेटस लगाने का मजा तब आएगा जब बदन पर वर्दी और हाथ में AK-47 होगी। हमारा संघर्ष हम ही को पता है, बर्बाद हुआ वर्ष हम ही को पता है, लोग पूछते हैं कैसे नहीं हुआ सिलेक्शन, कैसे नहीं हुआ सिलेक्शन, ये हम ही को पता है। मेरे भाई एक चाहत है फौजी बन के जीने की, वरना पैसे कमाने होते तो नौकरियां और भी बहुत हैं। प्यार करोगे प्यार मिलूंगा, मुकाबले करोगे तो फिर धूना मिलूंगा। अब मैं खुद भी नहीं चाहता कि कोई मुझे चाहे, के फौज में जाने का जुनून इतना मेरे भाई कि जब सोता हूँ ना तो सपने भी इस फौज की वर्दी के आते हैं। जा रहे हो दिसंबर, चलो जा रहे हो तो ये वादा रहा तुमसे कि अगली बार मिलोगे तो उन हालातों से लड़ते हुए थोड़े और मजबूत हो जाएंगे जिनसे इस बार लड़ नहीं पाए थे। जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, क्योंकि 2024 में तुम्हारी औकात से बाहर मिलेंगे। मेरे भाई एक चाहत है फौजी बन के जीने की, वरना पैसे कमाने होते तो नौकरियां और भी बहुत हैं। मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, एक हारा हुआ इंसान अपने दूसरे प्रयास में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आज के बाद इशरते मजलिसे शामे गम कहां, दिल ना लगेगा तेरे बाद पर तेरे बाद हम कहां। ना जाने कब आएगा वो दिन जब हमारी भी आर्मी में ज्वाइनिंग होगी और हम भी रातों रात ट्रेन से ज्वाइनिंग पर जाएंगे। सच्चा दोस्त वही है जो आपके साथ घूमने नहीं, सुबह 5 बजे 1600 मीटर लगाना है। मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो। अब न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे। उसने हमें ठुकरा दिया कोई गम नहीं, बदनसीब तो वो है जिसकी किस्मत में हम ठुकरा दिया, जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। मुझे पता है कि मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, लेकिन मैं फिर भी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि तरक्की की सवारी इतनी जल्दी नहीं मिलती। जो लोग बोलते हैं ना तुम्हारा लड़का तो हाथ से निकल गया, ये तो फालतू चीजों में पड़ गया, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, सालों को तुम्हारा मुंह बंद नहीं कराना आने वाले 1 साल के अंदर, तो नाम बदल देना। एक रात ऐसी भी आएगी जब हम खुशी से सोएंगे कि कल हमारी ज्वाइनिंग है। कामयाब होने का जुनून भी सोने नहीं देता, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। क्या हुआ, लोग हंस रहे हैं कि तू हार गया, हार मत मान ब्रो, सफलता की शुरुआत है ना अब इस नए साल से होगी। ना ही 2024 के आने की खुशी और ना ही 2023 के जाने का गम, असली खुशियाँ उस दिन मनाएंगे जिस दिन खुद को कामयाब कर लेंगे हम।